वेलकम वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज प्रेम कुमार, योर होस्ट और आपका दोस्त। मेरे साथ स्क्रीन पे है आकाश कुमार। आप सब जानते ही होंगे, वैसे तो उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट थैंक यू सो मच आकाश ज्वाइन करने के लिए। इफ यू कैन गिव अ यूर बिट ऑफ वेलकम। इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ दैट वुड बी हेल्पफुल। लेकिन उस आगे जाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग कि आकाश का करियर बेसिकली द एजुकेशन टीचिंग करियर, वो स्टार्ट समवेयर जब मेरी क्वालिफिकेशन हुई थी। सो आई नो कब से इसने स्टार्ट किया था एंड द प्लेस ही इज हियर नाउ। तो इट्स एन अमेजिंग जर्नी आई कैन सी बाय माई सेल्फ। बहुत बहुत कम टीचर्स को हम देखते हैं अपने टेन्योर में कि वो कैसे ग्रो इन्होंने किया है, बट आकाश इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो हमने देखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रेम इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। खैर आपने सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया इस सेशन के लिए, और मतलब जो काम कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनको लाइफ में एक पाथ दिखाना, एक गाइडेंस देना। तो यह हर कोई नहीं करता, टीचर होता है, टीचर एक उनका एक होता है ना कि उस चीज में हम सफर रहना, उस चीज में उनको गाइड करना। तो अपार्ट फ्रॉम टीचर मैंने बहुत कम लोग देखे हैं और यू आर वन ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि तुम गाइड करते हो। मैं देखता भी हूँ CS4 पे कि यू कीप ऑन पोस्टिंग थिंग्स, कि किसी बच्चे को क्यूरी आती है तो टीचर अगर बिजी है ऑफिस में या कहीं भी तो यू कीप ऑन टैगिंग देम कि हाँ भाई ये वीडियो देख लेना, तो दीज थिंग्स माइट बी हेल्पफुल। तो अप्रिशिएटिव, बहुत अच्छी बात है। तो बताते चलूँ अपने बारे में, माय नेम इज आकाश, एज मैंने प्रेम ने बताया आप सबको, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ मैनेजर अश्योरेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज एंड एडवाइजरी इन EY एक्स। आई वॉज प्रीवियसली वर्किंग इन HBL एज अ सीनियर मैनेजर। तो इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मजा नहीं आया क्योंकि मैं हूँ वर्कहोलिक, तो होता ही सेम है फॉर कि जब मी, आप सेम फॉर मी। मैंने एक HBL में काम किया था छह हाँ महीने आप भी HBL, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इवन जब मैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन एंड एम्प्लॉय बैंकिंग की रिपोर्ट देख रहा था ना, तो तुम शायद इंटरनल ऑडिट में थे उस वक्त, तो तुम्हारी रिपोर्ट आई हुई थी जो तुमने इशू की हुई थी, आई थिंक ऐसा ही है। आई गेस यस। तो तुमने हाँ, तो तुमने एक रिपोर्ट इशू की हुई थी, तो आई केम टू नो कि वो तुम ही थे जिन्होंने वो रिपोर्ट इशू की थी। तो खैर यही है कि एक जब बंदा वर्कहॉलिक होता है तो फिर उसको एक ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे सिर्फ आप 2 घंटे काम करें और फिर पूरा दिन फारिग हो, तो वो मजा नहीं आता। मतलब देर शुड ऑलवेज बी समथिंग जो आपको पोक करे कि नहीं यार कुछ अलग करना है किसी इदारे के लिए। तो ट्रू ये है, तो दिस वॉज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी आपको प्रेम ऑलरेडी बता चुके हैं सब चीजें। आकाश, एजुकेशन जर्नी की थोड़ी सी बात करेंगे। यू नो हाउ यू हैव कॉप अप, यू नो अपने एक एजुकेशन जर्नी कैसे प्रोग्रेस की एंड व्हाई यू वांटेड टू यू नो गो फॉर टीचिंग बेसिकली। बिकॉज टीचिंग इज सम इज अ प्रोफेशन या जो काम है उसमें मोटिवेशन चाहिए होती है, एक पर्पस चाहिए होता है लाइफ का कि व्हाई आई वांट टू डू इट। तो एनी वर्ड्स ऑन दैट? अच्छा, बेसिकली माय फादर डाइड बैक इन 2017। तो जब मैं मॉड्यूल आई थिंक CA शुरू ही हुआ था मेरा, सही ना, 2017-18 की बात ही है, 17 में आई थिंक। तो जब मैंने CA शुरू किया था तो तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो अब जाहिर सी बात है आपको अपने घर के लिए मतलब सर्वाइव करना है, आपको उनको पैसे देने हैं, तो ब्रेड एंड बटर भी चलाना है आपको। तो इसलिए मैंने एक जगह पे साबुन बेचना शुरू किया, ये खोरी गार्डन जिसको हम कहते हैं, मतलब यू माइट बी नोइंग थिंग HBL के पीछे ही है वो जगह। तो ये है, तो वहां से मैंने जर्नी शुरू की। तो फिर मैं देखता था कि पूरा दिन काम करूं, पूरा महीना काम करूं, तो मुझे सिर्फ मिलते हैं 3,000। मैं बेसिकली डेयरी पे काम करता था वहां पे, तो 3,000 मिलते थे मुझे। तो फिर उसके बाद हुआ ये है कि मैंने देखने लगा कि यार ये तो मतलब सिर्फ पूरा महीना काम करो, 3,000 कमाऊंगा मैं, घर पे क्या दूंगा। तो बेसिकली मैंने खाना पीना बंद कर दिया था दोपहर का, मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाया करता था। तो खैर फिर मुझे सर अहमद ने अप्रोच किया, सर अहमद ने मुझे बोला कि तू इतना बड़ा हो गया कि मतलब हमारे पास से चला जाएगा, क्योंकि खुददारी का एलिमेंट था सर अहमद का, मतलब वैसे ही एक साथ था शुरू से लेकर आखिर तक। तो सर अहमद ने बोला कि तू ट्यूशंस पढ़ा, उन्होंने मुझे गाइड किया इस चीज में। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने देखा यार मैं दिन में 2 दिन पढ़ाता हूँ और मुझे 10,000 मिलते हैं। मैंने कहा यार अगर मैं देखूं कि एक महीना काम करूं 3,000 मिलते हैं और महीने में 4 वीक्स हैं, तो मैंने कहा 2 4 8 8 दिन पढ़ाऊंगा 10,000 मिलेंगे। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या, वो भी 2 2 घंटे वहां पे धूप में पूरा दिन आप पागल हो जाओ। तो सही। खैर जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की है, तो जब सामने से बच्चा जो एक इंडिविजुअल बच्चा, एक बच्चा मुझे बोलता है वाह सर आपने क्या बताया, क्या पढ़ाया आपने, तो एक फिर वहां से मोटिवेशन मिली। मैंने कहा यार मेरी बात समझ आती है, इसको मैं पढ़ा सकता हूँ। तो पहले तो ये होता था कि आप बेसिकली स्टार्ट करते हो फर्स्ट ईयर इंटर को पढ़ाना, फिर सर ने कुछ ट्यूशन प्रोवाइड किए मुझे, जिसमें मुझे FAR 2 के बच्चे दिए गए, FAR 1 के बच्चे दिए गए, मेरा हाथ साफ हुआ वहां पे। तो ऐसे करते 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 सर ने एक दिन मुझे बोला कि मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ।
सही है ना। मैं तुम्हें एक सर ने मुझे बेसिकली मुझे अभी भी याद है, सर ने मुझे i5 16 का एक हैंडआउट दिया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे। सर के पास सोल्यूशन बने हुए थे ऑलरेडी, सर ने मुझे दिए नहीं। सर ने बोला लेट्स सी कि तुम सोल्यूशन कितनी देर में बनाते हो। तो सर ने 12 बजे दिए थे, मैंने 6 बजे रेडी कर दिए थे 15 सवाल थे। तो फिर तब से सर थॉट कि अब मैं एक ऐसा आई थिंक प्रोडक्ट बन चुका हूँ कि मुझे मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तो फिर आई स्टार्टेड इन रिफ्रेशर्स, मैंने प्रैक्टिस कराई, फिर प्रैक्टिस कराते कराते एक टॉपिक आया, ट्रेंड सो ऑन। अब अल्लाह ने एक बैच में 500 600 बच्चों का वो दिया हुआ है मुझे कि भाई एक बैच में 500 बच्चे होते हैं, 600 बच्चे होते हैं, वो पांच पांच बैचेस चलते हैं। तो ये जर्नी है कि आपको अपना पैशन देखना है कि आपको क्या चीज ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है, इन विच यू आर गुड एट। मैं ये कहता हूँ कि मैं बच्चों को देखता हूँ, किसी को टैक्स में मजा आता है, अब वो अपने मेंटोर भी ऐसे ही रखे ना जो टैक्सेशन के हैं। मैं देखता हूँ बच्चे को टैक्स में मजा आता है, वो किसी को देखा देखी में ट्रांजेक्शन एडवाइजरी में चला जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गए थे एचबीएल में, प्रेम, मैं एचबीएल से होकर आया हूँ, तो हमें पता था कि वहां पर हमें मजा नहीं आ रहा। मे बी अगर हम एचबीएल में होते तो आई थिंक इस पोजिशन पे नहीं होते, या आप यूके में नहीं बैठे होते। तो हम एक ही जगह पे होते जहाँ पे वो बिगॉम वाले लोग होते, हम उनके अंडर काम कर रहे होते, क्योंकि वो इतने बाबे हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो हमें कभी भी ग्रो नहीं होने देते। जो आई थिंक आप ये बात समझ सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता ये वाली बात। आप वहां से होके आए हैं। दैट वाज अ जर्नी. मैंने बताया, जब मैंने ईवाई छोड़ी थी उस टाइम मुझे ऑफर थी बाहर की भी, तो आई चोज एचबीएल. लाइक ओके, शुड आई शुड कंटिन्यू हियर एंड मजा आएगा ये वो. बट आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ क्या, 2 मंथ के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था एंड आई स्टार्टेड एग्जैक्टली सेम मूविंग. सो ईयर, सेम ईयर मैं व्हेन आई वेंट एचबीएल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक एक ऐसे इंटरनेशनल कल्चर से जाते हैं ना वहाँ पे, जहाँ पे हम फ्रीडम होता है काम करने का। बेसिकली व्हेन यू आर वर्किंग इन ईवाई, यू हैव ऑल द फ्रीडम टू वर्क, ट्रू. यू हैव गॉट द फ्रीडम टू से समथिंग, अपना आइडिया देना, कन्वे करना, और वेलकम किया जाता है वहां पे। अब जब आप एजुवेल में जाओ तो सबसे पहले तो एक होता है ना पाबंदी, जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर हुए तो आपको लोग देख रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात करेगा तो सुन लेगा आपके पीछे, मतलब बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं। तो ऐसे माहौल में आई डोंट थिंक सो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाउंड रह सकता है, आई ट्रू. डोंट थिंक सो। एंड दैट्स एग्जैक्टली ट्रू. आई थिंक फर्म्स में इतनी लिबर्टी है, इतनी वो, हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं. दैट्स समथिंग. एंड पाकिस्तान में वो, अभी यहाँ पे तो हमारा अपना हिसाब किताब चल रहा होता है काम करने का. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफरेंट इन द इंडस्ट्री. अच्छा आकाश, अब बात बिल्कुल करेंगे अपनी स्टूडेंट्स के हवाले से. तो स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. विल कीप इट बिल्कुल ब्रीफ. पहली बात यह कि बच्चा जो आता है ना, एक तो यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से कंपेयर करें अगर, तो वो उनकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं ओवर टाइम. हमारे बच्चे की एक्स्ट्रा स्किल्स तो डेवलप होती नहीं है. देर आर कोर्सेज PCSE वगैरह हैं, बट आई नो, मुझे भी लोग अप्रोच करते हैं, यू नो एज वेल फ्रॉम योर टीचिंग, के भाई बच्चा काफ़ी सहमा हुआ होता है. दे आर हेजिटेंट टू आस्क. वो बहुत सवाल अपने मन के अंदर रखे बैठे होते हैं और जो कभी नहीं पूछे जाते, एंड देन वो क्वेश्चंस के साथ चलते रहते हैं, देन जस्ट कीप बर्निंग देमसेल्व्स. तो व्हाट व्हाट डू यू थिंक उनको करना चाहिए इन देयर एजुकेशन जर्नी, बिफोर कैफ या बिफोर जो उनका इनिशियल स्टेज है, बिकॉज फॉर्म में जाने के बाद सब शेयर हो जाते हैं. आई नो, उससे पहले की बात करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मतलब इस बारे में कि अगर बच्चे को सवाल पूछने में हेजिटेशन होती है या उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कम होती है, राइट? अगर एक बच्चा सीए का है तो अच्छा, मेरा ओपिनियन इस बारे में थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि क्योंकि सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि पहले जो आवाम ज्यादातर आती थी सीए के अंदर, वो बेसिकली इंटर बैकग्राउंड आता था। इंटर बैकग्राउंड ऐसा, जैसे मैं इंटर का हूँ ना, तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल जीरो थी, मतलब मुझे नहीं आता था कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट। मैं तो बेसिकली, मैं पहले बताऊं, जब मैं मतलब अपनी क्यूटी की क्लास में बैठा हुआ था तो बच्चे इवन ऑड खेल लेते। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता था कि व्हाट इज इवन, व्हाट इज ऑड नंबर। तो ये कि बच्चे 2 4 6 8 10 ये चलाए जा रहे हैं, मैंने बोला कुछ तो होगा, फिर मैंने मेहनत की। सही है जी, पहले के डायनेमिक्स थे, पहले के डायनेमिक्स थे। अब जो बच्चे या क्रीम आती है सीए में, वो जो है ए लेवल्स की भी आ रही है, तो बेसिकली अब ये प्रोपोर्शन दो में बढ़ गया, एक इंटर बैकग्राउंड, एक सी एक ए लेवल्स बैकग्राउंड। अब ये तो बात लाजमी सी बात है कि जो ए लेवल्स का बच्चा होता है उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वो बिल्कुल आपसे ऐसा, मतलब एक आउटस्पोकन पर्सन होता है कि वो सीधे सीधे आपसे बात करता है। सही है जी, उसको घबराहट नहीं होती किसी चीज में। दूसरी चीज मैं देखूं तो सबसे पहले तो किसी, कोई भी टीचर है किसी भी इदारे में, तो उसको पहले तो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि कोई भी सवाल हो, इवन एक माइनर सा सवाल भी क्यों ना हो, आपको पूछना है। और ये टीचर ही होता है जो टोन सेट करता है क्लास के अंदर, या अगर जो ऑफिस में मैनेजर है
वो टोन सेट करता है कि इवन समवन इज आस्किंग इवन अ सिली क्वेश्चन तो नो वन हैज गॉट द राइट कि वो उस पर हंसे या उस पर कोई कमेंट पास करे। पहली चीज तो ये है। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ और मैंने किसी ने मुझसे सवाल किया और बच्चा हंसा और मैंने उसके हंसने को इनकरेज किया ना, दैट मीन्स के दिस इज द टाइम मैं उस बच्चे को प्रोवोक कर रहा हूँ कि अगली बार भी उसका मजाक हो रहा है। और फिर मैं ये एक मतलब एक जो है मैं इसमें ये कर ही रहा हूँ कि भाई मैं ना एक फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ उसके फ्यूचर के सवालों पे। बच्चा फिर उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, वो कभी नहीं पूछेगा। तो मैं अपने लिए मैं जो मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ वो ये करता हूँ, इवन फर्म में, इवन मैं कभी कहीं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहां पे, या इवन मेरी क्लासेस में मैं पहले दिन पे जाके बोल देता हूँ कि सवाल जितना भी सिली हो आपने पूछना है। ये नहीं है। और रही बात बच्चों की कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो यार बच्चों को बेसिकली बेसिकली हम देखते हैं यार, मैं देखता हूँ ना कि लोग आपस में कोई इंग्लिश में बात करता है तो मजाक उड़ा देते हैं उसका, सही है ना। तो हम इंग्लिश को एज अपनी प्राइम लैंग्वेज नहीं लें, आपको 10 लोगों में बोलना आना चाहिए। यानी मैं अपनी क्लास में प्रैक्टिस सकता हूँ, हाँ भाई मैं कोई नहीं बोलेगा आप बताएं क्या होगा, तो वो इवन गलत भी बताता है या बताती है तो मैं उसको इंकरेज करता हूँ, कोई मसला नहीं है, गलत ही बताया ना, बताया तो सही है। तो हमें ये करना चाहिए कि आपस में सर्कल ऐसा रखें, सही है जी, जिनसे हम फ्रीली बात कर सकें, सही है। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश नीड ऑफ एन आर है, हमें बात करने आनी चाहिए क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम तब देखें। ये तो एक वो बात हो गई ना कि मैं फर्म में भी जाता हूँ ना, जितनी भी मीटिंग्स होती है इंग्लिश में होती है। Especially if you are ये working with अगर international brand, तो बाहर की मीटिंग्स होती है यूएई वगैरह की बिल्कुल मोस्टली। बिल्कुल वो इंग्लिश में होती है तो यू शुड नो द लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए ऐसे मतलब इतनी कि आप समझ सकें, अपनी बात समझा सकें। ये तो ये तब सही होता है कि जब आप सर्कल ऐसा रखें, सही ना, जिसमें लोग ऐसे हों कि जो आपको इनकरेज करें, वो भी ऐसे बात करें, आप भी ऐसे जवाब दें। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा बैठ के इंग्लिश ही बात कर रहे हो, सही है ना, इस तरीके से कि भाई आपका सर्कल ऐसा है जो आपको इनकरेज करता हो। क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा बिकॉज बैक इन टाइम जैसे बात की गई तो मैं इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे भी कोई कुछ नहीं आता था। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे से शहर से इंटरमीडिएट करके आ गए कराची, वाई सी ए करना है एंड देन वी स्टार्टेड द जर्नी। आई स्टिल रिमेम्बर पीसीएसई क्लास, माय लेग्स वर शेकिंग जब प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही थी। चलती रही चीज़ें, और यहाँ पे यूके में बात कर रहे हैं, गौरों के साथ पूरा दिन काम कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट टाइम एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, आप बस करते रहें, छोड़े नहीं इस चीज़ को। आई थिंक दैट्स द की फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। यू कांट जस्ट स्टॉप के मुझे नहीं आता, आई विल जस्ट स्टॉप सेइंग, आई विल जस्ट स्टॉप टॉकिंग, दैट शुड नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड। और बच्चों को ये खुद ही इनिशिएटिव लेने चाहिए कि मैं अगर स्टेज पे आऊँ तो मैं बोलूँ, कुछ प्रेजेंटेशन दूँ, मैं कुछ लोगों से मुखातिब हूँ, तो एक स्टेज फियर ना रिड्यूस होता है, मतलब पैसिव ऑफ टाइम वो है, तो वो तब रिड्यूस होगा जब बच्चा इसका यूज टू होगा। हमारे यहाँ यूज टू ही नहीं है। ट्रू, स्पेशली जो वो लोग जो बहुत दूर छोटे शहरों से आते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग एट स्कूल बिल्कुल लेवल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सो ये सीन है। इवन छोटे शहरों की तो बात छोड़ो, मैं तो कराची का ही था, मुझे अच्छा कौन सी यादें थी। ये हाँ भी है, ये वो मतलब ये तो पीडी स्कूल वालों को नहीं आती है ये पीरियड बोल स्कूल, हाँ नहीं रहे आती ये एग्जैक्ट यू कैन से दिस एग्जैक्टली। अब दूसरी बात ये है कि देखें, एक तो ये मसला हो गया ना कि पीरियड स्कूल वालों को नहीं आती है, दूसरा ये है कि मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा फॉर फ्यूचर कि आप जिंदगी में, जहाँ जिंदगी लेके जा रही है ना, उसमें हर चीज में पार्टिसिपेट करें, आप सब में परफेक्ट हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। मैंने लोगों को देखा है, मतलब आपने शायद ये सवाल पूछा नहीं, मैं फिर बता देता हूँ ये वाली बात कि मैं फॉर्म में देखता हूँ ना, बच्चा बोलता है मुझे जितना काम दिया मैं वो करके घर भाग जाऊंगा, सही है ना। बच्चे सोचते हैं रिवॉर्ड फॉर वर्क इज मोर वर्क। ये मैंने मतलब जो ऐसी बात है, मेरा साइकिल थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मेरी जो ग्रेप भी ना वो स्ट्रांग है, तो ये बच्चों को सुनता हूँ मैं कि रिवॉर्ड फॉर वर्क इज मोर वर्क। मैं कहता हूँ कि हु इज गोइंग टू ग्रो, जो काम करता है या जो काम नहीं करता। True, I think 3 साल, अगर 3 साल डेफिनेटली इज वेरी जो वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे आपको बहुत कुछ करना होता है जो आप इग्नोर कर देते हो। और अब एक और चीज है ना, अब मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जो कलीग्स हैं या फिर जहाँ पे मैंने जिन लोगों से आज तक काम किया है, सही है ना, मैं मेरी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इसमें ऐड करना कि अगर आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि आपका भी अपना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल। तो मैं ये देखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं जिन लोगों को देखता हूँ ना जो बैकफुट पे है, यानी जो फ्रंट पे नहीं आते, दे डोंट नो हाउ टू सेल दियर वर्क, वो कभी ग्रो नहीं करते, वो नो, कभी ग्रो इट्स नहीं कम्प्लीटली करते। ट्रू, इट्स कम्प्लीटली ट्रू। उनको दे कीप इग्नोरिंग दैट फॉर लाइक एटलीस्ट 2 ईयर्स, मैं जितना पर्सनली जानता हूँ, कि शुरू में वो खोलते हैं, पेपर निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एंड देन जब टाइम आता है तब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उनको आता भी नहीं है, एंड देन दे आर एक्सपेक्टेड टू डू बिल्कुल समथिंग दे कांट।
तो फंस जाते हैं वहाँ पे, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें अभी आईकैप ने लॉन्च की हुई हैं ओवर द टाइम. आपका टोस्ट मास्टर्स क्लब है, जाओ भाई वहाँ पे पार्टिसिपेट करो चीज़ों बिल्कुल में, यू यू विल ग्रो विथ टाइम. आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस पर्सपेक्टिव. अच्छा आकाश, नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंटिंग के हवाले से, जो कि आई थिंक वेल दैट्स ए बेताज बादशाह इन करंट डेज, एटलीस्ट इन कराची आई एम नहीं, ऐसा नहीं है श्योर. बेटा मैं रजा सर, ऑफ कोर्स. सो जो बात है। अकाउंट एक पेपर पास करना अलग बात होती है, और अकाउंटेंसी को अपनी एक लाइफ बनाना आगे, यू नो हाउ टू प्रैक्टिकली यूज दैट इन द लाइफ इज अ डिफरेंट थिंग. पेपर्स आपको हेल्प तो करते हैं ऑफ कोर्स, बट पास में देखा जाए ना, मैं जानता हूँ भाई लोगों का फोकस है पेपर पास करना, कि भाई पेपर पास कर लिया बहुत है, आगे की गेम देखी जाएगी. बट हाउ पीपल शुड एम्ब्रेस द जर्नी, कि यार वो पेपर तो पास करें लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को भी अच्छे से पढ़ना सीखें, वो चीज़ों को एवेल्युएट करना. आईकैप की ना पॉलिसी चेंज हो रही है, ओपन बुक बहुत सारे पेपर्स में आ रहा है कि आप समझना सीखो हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली, नॉट लाइक कि आप बस करके आ जाओ. तो व्हाट डू यू थिंक पीपल कैन डू अपनी इस जर्नी में टू ग्रो देमसेल्व्स? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं IFRS 9 में, कि हम IR निकालते हैं, सही है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मुझे सामने वाला इशूअर रिटर्न दे रहा होता है और जो मेरा एक्चुअल रिटर्न होता है, दोनों में फर्क होता है ड्यू टू एडिशनल कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई, प्रीमियम हो गया, ये सारी चीज है। अच्छा, अब दो तरीके के मैंने चीजें देखी हैं। एक स्ट्रीम ऐसी होती है लोगों की, एक स्ट्रीम ऐसी होती है जो बोलता है मुझे बता दो करना क्या है, मैं पेपर में करके आ जाऊंगा, True. सही है। दूसरी दूसरी क्रीम ऐसी होती है, कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज IRR, ये उससे ज्यादा क्यों है, ये उससे कम क्यों नहीं है, हम इसको इस अमाउंट पे क्यों लगा रहे हैं। जो ये बच्चा सवाल करता है ना क्यों का, वो ग्रो कर जाएगा। तो बेसिकली इससे बताने का मकसद ये है मेरा कि आपने सिर्फ जस्ट चीजों को रटा नहीं लगाना कि IRR है तो लग जाएगा इसके ऊपर, इससे ये आंसर आ जाएगा, ये क्लोजिंग आ जाएगा, ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। मतलब दिस इज नॉट अकाउंटिंग, ये तो अकाउंटिंग आप रट्टा लगा के जा रहे हैं। ये तो आप बोल रहे हैं कि ये होगा तो ये कर लूंगा, पर व्हाट इफ एग्जामिनर आजकल इन चीजों पे आ गया। आप इवन FAR 2 का पेपर उठा के देखेंगे, पैटर्न पे वो बोलते हैं एक्सप्लेन करें। आपने देखा होगा ICAW में, ICAW क्या करता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करवाता है, बोलता है आप एक्सप्लेनेशन दें। अब वहां पे बच्चा क्या हो जाएगा, बोल ले जाएगा, बच्चा बोलेगा यार मैंने तो किया हुआ है, वो IRR अकाउंटिंग होगी, डेबिट क्रेडिट होगा, मेरा आंसर आ जाएगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे। When it comes to explanation, वहां पे बच्चा बोल जाएगा क्यों, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि what does it actually mean। तो बच्चे को टीचर से पूछना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि अगर ये चीज लिखा हुआ है तो उसके बेसिस ऑफ कंक्लूजन है, सही, ट्रू. आई थिंक उसके बेसिस ऑफ IFRS का जो कंक्लूजन है। थर्ड तो वॉल्यूम भी इस पे बनाया हुआ है रिसेंटली, वॉल्यूम जो आया था बेसिस ऑफ कंक्लूजन बिल्कुल पे, कि भाई आप बोलना सीखो कि हो क्या रहा है पीछे बैक पे, इंडस्ट्री में भी, एग्जैक्टली नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में भी, कि यार कैसे आपने इस चीज़ को एनालाइज किया एंड कंक्लूजन क्या आया है, इट्स बिल्कुल। और वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स लिखी हुई होती हैं कि ये है तो क्यों है, वो बोलता है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देके बताता है। तो जब तक वो आपको नहीं पता तो आप कभी IFRS के चैंप हो ही नहीं सकते। और इवन दो एग्जाम्पल्स तो वही है ना, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक दो चीजें हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकाउंटर करता हूँ, सही है, कि एक एग्रीमेंट में लीज है या नहीं है, तो फिर वो सबसे पहली बात तो आती है आइडेंटिफाइंग अ लीज इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो True. उसके अपने पैराज हैं, उसकी अपनी एग्जाम्पल्स हैं कि आप देखें स्पेसिफिक एसेट है या नहीं है, सही है, मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास है नहीं है, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है। तो ये जब तक मुझे इसके मतलब नहीं पता होंगे, अब देखें ना, अगर बच्चा बोलता है स्पेसिफिक एसेट होगा टर्म होगी मैं लीज समझूंगा, भाई आप लीज क्यों समझेंगे, उसमें सब्सटेंशियल राइट्स की बात है, ये सारी चीजें हैं। तो ये जब तक किसी भी बच्चे को नहीं पता या किसी भी बंदे को नहीं पता, ही इज नॉट अ अकाउंटिंग प्रोफेशनल मेरी नजर में। दैट्स ट्रू. और ये जो बच्चा होता है आई थिंक एग्जामिनर कमेंट्स में बड़ा एविडेंट होता है कि क्या हुआ लोगों के साथ. आई थिंक बिल्कुल वहाँ पे पकड़े जाते हैं ये लोग कि भाई नहीं देखा इन्होंने चीज़ें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप समझें स्टैंडर्ड्स को, कैसे ये चल रहे हैं स्टैंडर्ड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल. मेरा मेरा काम खुद का आई फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, कि कितनी टेक्निकलिटीज होती हैं, और आप बिल्कुल जस्ट प्योरली अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड, कोई इसमें एक चीज़ भी नहीं है जो आप रट्टा लगा के बोल सकते हो. इवन आपको जो क्लासिफिकेशन है सबसे बेसिक चीज़ है, वो भी आप रटे से नहीं समझ सकते. बिजनेस मॉडल एंड ऑल द बिल्कुल स्टफ इज़ वेरी टेक्निकल. और ऐसा नहीं कि IFRS इज काइंड ऑफ कंप्लीट डेवलप्ड वन, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आते हैं इसके अंदर, चीज़ें जो अभी, क्योंकि IFRS बिल्कुल की कमेटी की मीटिंग्स होती रहती हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज पता नहीं है जो होती हैं. बट इट्स जस्ट कि आप कैसे चीज़ों को इसीलिए तो अंडरस्टैंड चेंजेस करते हैं. आते हैं, बिल्कुल इसीलिए तो चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम बैठ के अप्लाई करते हैं, समझते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार ये तो एक्सप्लेन ही नहीं है, इसकी तो ये डायरेक्शन ही नहीं है, फिर वो इंक्लूड कराई जाती है। एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप समझें शुरू से स्टैंडर्ड्स को. प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है. वन ऑफ द स्किल्स जो मैंने सीखी, और ऑफ कोर्स यू हैव लर्न्ड एज वेल, के रिसर्च
इज वन ऑफ द बिग बिग थिंग्स यू यू डू इन योर वर्क ऑन डेली बेसिस. सबको कुछ नहीं बिल्कुल आता, मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, बहुत सारी चीजें जो नहीं बिल्कुल आती. आईएफएस में देखना, ऐसा लॉ है में देखना, इज काइंड ऑफ स्किल दैट यू नीड टू डेवलप फ्रॉम विद इन योर टाइम. क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं ना कि भाई बच्चा जो है ना आईएफएस को पता ही नहीं है, वो लेके चले जाते हैं, बोलते हैं आईएफएस यूज ही नहीं करूंगा एग्जाम में, विच इज गुड, जरूरत नहीं पड़े, नहीं यूज करो, टाइम लगता है. बट इतना आना चाहिए कि जब जरूरत पड़ रही है तो आपको आईएफएस पता है कि मैं कहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे देखा ये प्रोविजन है, मैंने उसको अप्लाई किया. आई थिंक इट्स लॉट ऑफ पीपल आर लैकिंग दैट. पीपल लोग आईएफएस नहीं देखते एक्चुअली, विच इज नॉट गुड. हाँ, पर अगर अब इसमें भी दो चीजें हैं। इसमें भी अगर हम देखिए बेसिक कैफ लेवल पे बात करें ना, तो हमें एक तो ऑब्वियसली बच्चे चार पेपर दे रहा होता है, सही है ना। तो मतलब मैं बीइंग अ टीचर, एक मैंने अपनी एनालिसिस है मेरे, सही है ना। तो बच्चे चार पेपर दे रहे हैं। अब इस चार पेपर के अंदर बच्चे को कॉन्सेप्ट दें, बच्चे को प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि अब जो मार्केट के डायनामिक्स हैं, आप तब तक टॉप पे हैं जब तक आप बच्चे को स्पून फीडिंग कर रहे हैं, सही है ना। अब क्या है स्पून फीडिंग? हमारे वक्त में तुम्हें पता है क्या होता था, सर ने पढ़ा दिया, सही है। अब आपने करनी है खुद मेहनत, सही है ना। आपने पास पेपर भी खुद देखने हैं, अदर अकाउंटिंग बॉडीज के सवाल भी देखने हैं, तो सारी चीजें यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ। पहले ये था, अब ये है कि अब आपने पढ़ाना भी है, आपने प्रैक्टिस भी करानी है, आपने पास पेपर भी कराना है, एडिशनल प्रैक्टिस भी आपने देनी है। तो इस पूरे सीन में टीचर इज द ओनली पर्सन जो अकाउंटेबल है, जिसने IFRS की 100% कवरेज करनी है, उसको समरी बना के देनी है। तो ये Which is फैक्टर not था। right. वैसे हम आपस की बात करें, इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस के ऐसा होना चाहिए. स्टूडेंट्स हैज टू पुट एफर्ट्स फॉर देम. पर अब आप एज स्टूडेंट सोचे, मतलब अगर आप ऐसे अभी तो हम तो ऐसे बड़े बन के सोच रहे हैं ना कि सही, हाँ हमें पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। पर आप एज स्टूडेंट सोचे आप कि यू हैव गॉट फोर पेपर्स एंड यू नीड टू पास देम, दैट मीन्स कि यू विल से कि भाई मुझे बता दो करना क्या है, मैं पास कर लूंगा। हाँ, पर ये प्रैक्टिस हमें फाइनल्स में लेके आनी चाहिए। रीजन है इसके पीछे, फाइनल्स में जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो क्लाइंट आपको बोलता है कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ से। तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि सीए फाइनल में डेफिनेटली जो भी टीचर है या जो भी स्टूडेंट है वो IFRS को लाजमी रेफर करे, क्योंकि जब क्लाइंट बोलता है ना कहाँ लिखा हुआ है, देन यू गो फॉर रिसर्च वर्क, और वहां पे टाइम नहीं होता। नहीं, आई कंप्लीटली अग्री. स्टार्ट में शायद इट्स नॉट वर्दी, क्योंकि आपके जो स्टैंडर्ड्स जो है ना, लिमिटेड यू यू स्टडी, एंड वही है कि लिमिटेड आपने काम किया. बट फाइनल्स में एक तो ये आपको ये रिसर्च बेस्ड काम भी करना पड़ता है आपके लिए, क्लाइंट पूछते हैं. उसके बाद ए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आपको डेवलप करनी पड़ती है आगे जाने के लिए, कि अच्छा आपको और बच्चे रिसर्च के करना ये भी देता. मसला है, अगर आप शुरू में उसको कैफ लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे उसको बताएंगे ना कि भाई देखें ये IFRS है, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो उसके कोर्स में ही नहीं है, तो ही इज गोइंग टू आस्क एनी एवरीथिंग। और हो सकता है कि आखिर में वो कुछ ऐसी चीज देखे जो उसके कोर्स में नहीं है और वो कंफ्यूज है और पैनिक कर गया पेपर में। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है जो क्रिएट होते हैं। आई थिंक फाइनल्स वाले के इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, एंड एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक मोर और लेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल्स के भाई उनको आना चाहिए. आई थिंक सेकंड पार्ट एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सजेस्ट ट्रांसफर्स हैं. अभी ऐसे बात की ना, लोग टीचर्स पे रिलाई करते हैं, ऑफकोर्स रिलाई करना चाहिए, बट टीचर्स हैव लाइक 200-300 लोग हैं क्लास के अंदर, तो दे विल हैव नो सब जेनेरिक सबको करवा दिया, भाई ये सजेस्ट आंसर्स है, मैंने आपको बता दिया, मैंने सॉल्व करवा दिया, मैंने क्वेश्चन दे दिए. बट इंडिविजुअल जर्नी इन टर्म्स ऑफ सजेस्ट आंसर्स, एग्जामिनर कॉमेंट्स, इस तरह की जो है, आई थिंक इट्स इंडिविजुअल जर्नी, एंड हर किसी को ये करनी चाहिए एट ईच लेवल अपने लिए. बिल्कुल, उस देखिए वो खुद जो बच्चा करता है ना, ये तो आपने भी पता है और मुझे भी पता है, जो खुद करके चीज समझ आती है वो किसी की रिलायंस पे नहीं आती। ये बहुत फर्क है, ये बहुत फर्क है। बट ये कि आप क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स है तो यू हैव टू फॉलो। आई थिंक या प्रॉब्ली मैं अपने पेपर्स पास को एक ही चीज़ है जो आई थिंक मैंने ज़्यादा की होगी, जो आपका एग्जामिनर कमेंट्स हैं, ब्रेड ईच ऑफ देम कि क्या बिल्कुल हो क्या रहा है, मैंने कहाँ पे गलतियाँ की. आई थिंक दैट पास मी, दैट्स वेरी हेल्पफुल. अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो है, इट्स अबाउट फेलियर्स. अबाउट फेलियर्स मेरा इतना ज़्यादा है नहीं, मेरा एक पेपर रुका था, तो आई हैव दैट फीलिंग बट नॉट टू मच. बट यू सी स्टूडेंट्स, तो वॉट यू थिंक कि एक बार फेल होने के बाद लोग स्टिल कॉप अप कर लेते हैं कि ठीक है चलो एक बार फेल हुआ, दो बार होता है तो उनको थोड़ी सी डिमोटिवेशन होती है, इज इट वर्थ इट. तीन चार बार जैसे बढ़ता जाता है, एंड यू नो एक होता है कि फेल होने के बाद उनकी मोटिवेशन थोड़ी सी गिरती जाती है और एक डिक्लाइनिंग स्कोप पे चली जाती है ओवर टाइम. वॉट यू थिंक, अगर किसी का एक फेलियर होता है तो हाउ दे शुड कॉप अप कि यार वो एक जर्नी पे ना चले जाए फेलियर की. देखें, अब पहले तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो बच्चा या जो भी एक्सपायरी स्टूडेंट है वो सीए में क्या किसी के प्रेशर पे आया है या अपनी चाहत से आया है।
दो फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर एक बच्चा किसी के कहने पे आया है, सही है जी, तो वो सिर्फ किसी के कहने को या किसी का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहा है वो। लेट्स से कि भाई मेरी अम्मी ने कहा है कि मेरा बेटा या बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या बनेगी, सही है। अब फेलियर आता है तो ऐसी बात है, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो मेहनत करेगा या करेगी। बट मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चे आते हैं, सही है, गाइडेंस, क्योंकि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर मेरा काम है ये बताना, सही है जी, टीचिंग तो साइड में पहले ये आता है मेरे लिए, सही है। तो मैं देखता हूँ कि जब मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, मेरी ऑब्जर्वेशन है लोगों में उठने बैठने के बाद, उससे सुनने के बाद, कि जो बच्चा किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए करता ना, अपने दिल से नहीं करता, वो जितनी भी मेहनत कर ले, सही है ना, दो फेलियर्स के बाद उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि वो घर वालों से डिस्कस करने में डरता है कि अगर मेरे अब्बू या अम्मी ने ये कहा था कि मुझे सीए करना है, तो फिर उसको हिचकिचाहट होती है कि मैंने नहीं किया तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। इसमें जिंदगी खत्म नहीं हुई, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कोई और प्रोफेशन बनाया है। मैं देखता हूँ आईटी वाले कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी सैलरीज हमसे डबल है, True. हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, सही है जी। तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल नहीं है, सही है ना। वो स्विच कर गया, वो उस इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया जहां उसको मजा आता है। अब आप और मैं अपनी एग्जांपल ले लें, हमें रिस्क में मजा नहीं आया, हम तो गए रिस्क के डिपार्टमेंट में, आप गए थे उसमें इंटरनल अरे ऑडिट में, मैं गया था रिस्क में, तो हमें नहीं मजा आया क्योंकि हमें पता है हमारा वो एरिया ही नहीं है, हमारा वो एरिया ही नहीं है। दूसरा बच्चा होता है जो खुद दिल से सीए में आता है कि मुझे करना है, सही है ना। फिर एक फेलियर, क्या पांच फेलियर्स होंगे ना, वो खड़ा रहेगा, वो पास होके दिखाएगा, वो एग्जैक्टली कर आई जाता है। आई थिंक मेरा अभी एक और इंटरव्यू मैंने किया था एक बंदे के साथ, जो अभी अपलोड नहीं हुआ, बट द पर्सन फेल्ड. उसकी जो सी मॉड्यूल था दो बार फेल किया था उसने, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 6 पेपर्स पास कर दिए उसने सीओडी मॉड्यूल के एक साथ. सो इट्स जस्ट इंडिविजुअल सही, जर्नी. तो बंदा मोटिवेटेड था, दो फेलियर एग्जैक्टली, तीन तीन पेपर्स फेल करने के बाद ही 6 पेपर्स पास कर दिए अगले अटेम्प्ट में, अब कैफ स्टेज पे. सो या एवरीबडी कैन डू इट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से कि कब आपको स्टॉप करना है, इफ़ यू आर नॉट यू नो इन दैट जर्नी. नहीं मज़ा आ रहा, नहीं समझ आता, बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉप करना जानते हो कब आपको स्टॉप करना. अदरवाइज यू विल जस्ट कीप गोइंग प्रेशर में कि भाई नहीं, चलते रहो चलते रहो, एंड आफ्टर 5 ईयर्स यू लाइक ओके कुछ नहीं हुआ, सीए में कुछ नहीं हुआ, एंड अब क्या करें. इट्स वेरी वेरी बिल्कुल डिफिकल्ट. ऐसा। और मैं बिल्कुल, और देखे ना, अब 5 सालों में मुझे पता है, मैं तो इंडस्ट्री, आप भी घूम के आए, तो टाइम बहुत कीमती है। अगर आपने अपनी जिंदगी के 5 साल गलत जगह लगा दिए, या एक इवन जॉब स्विच का भी डिसीजन गलत होता है ना, तो आप एक रैंक नीचे आ जाते हैं। ये बेसिकली है, ये आप एक रैंक नीचे आ जाते हैं, तो फिर आपको रिग्रेट होता है कि आपके, रिग्रेट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, खैर, पर ये कि एक फीलर आता है कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, मैं क्यों डिसीजन लिया मैंने ये वाला, तो ये फील है। और जहां बात रही मोटिवेशन की, बच्चों को मैं ये खाली रिकमेंड करूंगा कि आप सोते वक्त ना अपने आप से एक सवाल करें कि आपने पूरा दिन ऐसा क्या किया, सो दैट यू विल बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक होता है ना प्राइम क्वालिफिकेशन है, एक सुपीरियर क्वालिफिकेशन है। इसको पाने के लिए मेहनत भी सुपीरियर है, कोई ये नॉर्मल मेहनत से पास नहीं होता। ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है। हम जैसा बच्चा अगर सीए कर गया, तो फिर मैं तो कहता हूँ कोई भी कर सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम जीनियस नहीं होंगे, हम हार्ड वर्किंग होंगे। मैं अपने लिए ट्रू तो कहता हूँ कि मैं ट्रू जीनियस तो नहीं हूँ। कि मैं अपनी जर्नी देखूं तो यू अंडरस्टैंड, स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आता है, उसने इंटरमीडिएट में क्या बिल्कुल करते हैं, मैं स्कूल से बंक करके चला जाता था और आई केम टू सी ए. मैंने मेरिट मार लिया बी मॉड्यूल में, आई नेवर थॉट कि मैं पाकिस्तान लेवल पे डिस्टिंक्शन लेके आ जाऊंगा और वहां से उठ के आई डोंट नो इंग्लिश दैट मच. तो इट्स जस्ट बिल्कुल मैटर, एंड आई नो जो फर्स्ट ए मॉड्यूल होता था पास्ट में, तो मैंने ताबाज में एडमिशन लिया था कोई यू नो एडमिशन से भी पहले, आई के एडमिशन से भी कोई 2 3 महीने पहले. 9 महीने मैंने पढ़ा था, 8 महीने फॉर 2 पेपर्स ए मॉड्यूल के. मैं अपने ब्रेक्स में भी पढ़ता था, यू नो एक थी कि भाई मुझे करनी है, तो आई यूज स्टडी दैट. आई डोंट से यार सब पढ़ो इतना मेरे जितना स्टार्ट में, बट इट्स इंडिविजुअल जर्नी. तो आप देखें, अब पहले आपकी बात से बात निकली ना, आपकी खुद की चाह थी, ट्रू समझ रहे हैं, मैंने यही बात में लाया। मैंने कहा जो खुद बंदा सोच के आता है ना, फिर वो अपनी तबीयत भी खराब करेगा, उसको पालेगा। मेरा मानना यह है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अल्लाह ने बनाया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि जिस चीज की आपको चाहत है ना, वो सही कहता है शाहरुख खान, किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बेसिकली ऐसा है, मेरा मानना है बेसिकली ऐसा है, नहीं, सही कंप्लीटली ना। अग्री विद मैंने दैट. जो चीज चाही है, जो चीज चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा मेरी चाहत है तो मैं लेट जाऊं तो मुझे मिल जाएगी, नहीं,
चाहते तो उसके लिए मेहनत करनी है, चाहे वो जिंदगी में कोई भी चीज हो। कहीं ट्रैवल करना है, आप सोचें, आप उसके लिए मेहनत करें, यू विल डेफिनेटली ट्रैवल। आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, इवन आपको कार चाहिए, यू थिंक एंड यू विल गेट इट, मेहनत करो बस। एग्जैक्टली, आई 100% एग्री. वो एजुकेशन के बाद भी ये जर्नी है, इट्स नॉट जस्ट फॉर एजुकेशन, इट्स जस्ट कम्प्लीटली होल बस यही लाइफ. है, मैं एवरी अदर डे आई थिंक कि मैं नेक्स्ट रूट पे, नेक्स्ट प्रोग्रेशन कैसे मैं करूँगा, हाउ आई मूव अप टुवर्ड्स दैट. सो है जर्नी इंडिविजुअल. आई थिंक एवरीबडी हैज टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लाइव्स. टीचर्स करेंगे हेल्प ऑफ कोर्स, बट इफ दे वॉन्ट टू बी बिल्कुल वेरी सक्सेसफुल पर्सन, नॉट लाइक सिर्फ क्वालिफाई होकर बैठ गए, तो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली। और एक और चीज मतलब ये है कि बच्चों को मैं देखता हूँ ना, एक अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। इवन क्वालिफाई होने के बाद भी मैं लोगों को देखता हूँ कि यार मतलब हम क्यों ये समझते हैं कि हमने सीए कर लिया तो हमने सब पा लिया, कुछ भी नहीं किया अभी तो। तुमने सिर्फ क्वालिफिकेशन लिए जो तुम्हें किसी अच्छी जगह जाने में हेल्प करेगी, ग्रो तो तुम्हें अब होना है। True. I think that was our probably last question. कि भाई टाइम निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ. देखो दो चीजें हैं, एक तो ये कि पढ़ाई तो है, सबके पास है पढ़ाई, इट्स नॉट समथिंग न्यू, बिल्कुल बट टाइम निकालना खुद के लिए. बिकॉज इन दिस स्टडी इफ यू कीप स्टडिंग सिर्फ, तो एक तो मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ. लोग बोलते हैं यार मैंने ये नहीं अटेंड किया, मैंने वो नहीं किया, मैं वहाँ नहीं गया, तो दैट्स समथिंग आई बिलीव शुड नॉट बी हैपनिंग. उसके बाद ये है कि अब मैं अपनी और तुम्हारी एग्जांपल, दोनों की एग्जांपल देता हूँ कि भाई वी डू थिंग्स जो हमारे काम के अलावा हैं. वर्क लाइफ की बात करें तो नौ नौ से 5:30, 6, 7 तो बज ही जाते हैं उसके अंदर. एंड देन यू गॉट, यू नो, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तुम टीचिंग कर रहे हो, एग्जैक्टली टेक्स टाइम. उसके बाद आपका जो बाकी बिल्कुल चीज़ें हैं, जिम वगैरह हो गया या दोस्तों के साथ घूमना हो गया, ये वो, इट टेक्स टाइम, राइट? तो पूरा दिन हम अपना प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं, बट स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो वो सब हमसे कि यार हम पढ़ रहे हैं और वी डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स. आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, उनको क्या करना चाहिए टू हैव सम टाइम फॉर देम सेल्फ? देखो, दे शुड डेफिनेटली उनको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तुम्हारा माइंड फ्रेश नहीं होगा। माइंड फ्रेश नहीं होगा तो जो आपकी पढ़ाई होती है वो इफेक्टिव नहीं होती। अब मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा, अगर मेरी मैंने इवन मेरा पेपर होता था अगले दिन, मैं रात को जिम जाता था। अच्छा, मेरे मेरे टारगेट्स ऐसे होते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सेल्फिश बनना हूँ, मैं आज बता भी देता हूँ, लाइव बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। सेल्फिश इस मामले में हूँ, अपने लिए सेल्फिश, अपने लिए सेल्फिश इसलिए कि अगर दोस्तों में जाना है सही है तो मैं जिम करूंगा, मैं जॉगिंग करूंगा, मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, मैं अपने ऑफिस का काम करूंगा फिर जाऊंगा। मतलब ये है। अच्छा, यानी मेरी प्रायोरिटीज हैं, मेरा काम है, मेरे नोट्स है, मेरी टीचिंग है, मेरी मेरी जिमिंग है, मेरी जॉगिंग है। यानी जिमिंग जॉगिंग भी मेरी एक्टिविटी है, मैंने उसको एक्टिविटी बनाया, उसको मजबूरी नहीं बनाया। बच्चे क्या करते हैं, उसको मजबूरी बनाते हैं। जिस चीज को आप अपनी मजबूरी बनाओगे वो कभी कर ही नहीं पाओगे। सेम इज द केस विद सी है। अगर एक बच्चा बोलता है मैं मजबूरी में करूं, अब मैं आ गया हूं, अब मैं करके निकलूंगा, वो क्वालिफाई नहीं हो सकता। हो भी जाए तो फिर वो एक करिश्मा है। बट ये कि मजबूरी बनाओगे तो कोई चीज मजबूरी में नहीं होती, दिल से होती है। यही तो मैं देखता हूँ कभी कभी ग्रुप्स की, मैं थोड़ा सा आजकल देख रहा होता हूँ कि कौन क्या पूछ रहा है, एंड लोग आते ही बोलते हैं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा यार. मतलब क्यों हो गए फेल? या तो वही तुम तो, ऐसे क्यों होगी फेल। ऐसे ही आ गए हो उठ के, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, या तुम बाकी करने आए हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें तो हो जाना चाहिए तुम्हारे पास. वही प्री कंसीव माइंड के साथ अगर मैं बैठूं क्लास में और मैं बोलूं इस टीचर से मुझे नहीं समझ आएगा तो नहीं आएगा। वो जितना भी अच्छा टीचर है वो नहीं पढ़ा पाएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हो कि इसको इससे नहीं समझना मैंने। तो सेम इज द केस विद सी है। क्या आप बोलेंगे कि भाई ये क्वालिफिकेशन तो मुश्किल है, मुझसे नहीं होगी? तो भाई फिर आप जब खुद ने, आपके दिल ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपसे कोई सवाल नहीं होगा, आप उसको छोड़ देंगे। आप यूं क्यों नहीं कहते हैं ऐसी की तैसी मैं करूंगा, तो फिर आप जोर लगा देते हैं। आई थिंक दैट्स मैसिवली हेल्पफुल. बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी लोगों को इस इंटरव्यू के थ्रू. आई थिंक एक चीज़ लास्ट में क्लोजिंग नोट है मेरा कि भाई हम जैसे लोगों ने कर लिया है सीए, एंड वी हैव सक्सेसफुल करियर्स, वी हैव टर्न अराउंड अवर लाइफ. तुमने अपनी लाइफ टर्न बिल्कुल अराउंड की, माशाल्लाह। मैंने भी हाँ अपनी पूरी चेंज कर दी लाइफ. आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन नाउ. तो इट कैन चेंज योर लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेहनत करो स्टार्ट से, एंड इट विल जनरेट सम रिजल्ट फॉर यू इन लॉन्ग रन एज वेल. उसके बाद यू विल, बिल्कुल और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जॉब पर बैठोगे. नाउ आई थिंक ऑफ अ बिगर परस्पेक्टिव, मैं यूट्यूब के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, और आई हैव दैट थिंकिंग नाउ. इट्स जस्ट जर्नी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव दैट. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। एंड मतलब मैं बताता चलूं कि सबको कि मतलब वापस से यही कि यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब,
सही है ना, कीप डूइंग दैट. सही है, मतलब जहाँ हम लोग नहीं पहुंच सकते वहां तुम पहुंच जाते हो. सही है जी, क्योंकि तुम्हारे पास उस किस्म का टाइम है, हमारे पास हमारे लेवल का टाइम है. सही है जी, तो बेसिकली हम सर्व ही कर रहे हैं. बात यह है, आप भी सर्व कर रहे हैं अपने तरीके से, हम भी सर्व कर रहे हैं अपने तरीके से. तो मतलब मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा कि मतलब डू फॉलो प्रेम कुमार. सही है जी, इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब. सही है जी, वो आपको बाकी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर निकलने में भी हेल्प करेगा, वो आपको बताएगा अपनी पूरी जर्नी. सो थैंक यू सो मच प्रेम फॉर इनवाइटिंग थैंक मी, एंड हाईली ऑब्लाइज कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप ये इंटरव्यू करें मेरे से. यू, डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक यू आर वेरी रिस्पेक्टेड इन स्टूडेंट्स कम्युनिटी, बहुत रिस्पेक्टेड लोग, बिकॉज आई सेड मैंने जर्नी देखी है. ऑफ कोर्स आई हैवंट स्टडी फ्रॉम यू, तो मैंने कोई वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, बट आई नो आई हैव सीन बिल्कुल पीपल टॉकिंग अबाउट इट. तभी मैंने अप्रोच किया, आकाश को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड फॉर पीपल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट एफर्ट्स किसी और के लिए. बस यही है, मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है, जो बहुत कम लोगों को पता लगता है कि पैसा तो चलो कमाना है, वो तो एक आपकी नीड है ना, कि आपको अच्छा घर या वो चाहिए, तो अच्छा रहना फ्रीलांसिंग से चाहिए, अच्छे बुक कपड़े कीपिंग से कर चाहिए. सकते हो, वो तो कोई भी कर सकता है, आप फ्रीलांस इतना आता वो है तो अब कोई भी तो. कर, कैसे भी फ्रीलांस, बिल्कुल अब तो आता है. बस मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि जब आंखें बंद हों तो लोग याद करें कि कुछ करके गया लोगों के लिए, अपने ही लेवल पे जितना बनता है, और उससे ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह, साथ हैं. सही जी, तो थैंक यू सो मच प्रेम. चलो आकाश, थैंक यू सो मच.